की डेट 30 अप्रैल 2023 है, आप इसको किस तरीके से ऐसा है कि आज नहीं सिर्फ मलाड़ के अंदर और नहीं सिर्फ मुंबई के अंदर, भारत के देश के अंदर, बड़े पूरे पूरे विश्व के अंदर एक उत्साह के साथ में नरेंद्र मोदी जी के 100वां एपिसोड मन की बात का कार्यक्रम नहीं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नहीं सिर्फ समाज के विभिन्न समाज सेवी लोग, बल्कि आम लोग अपने अपने सोसाइटी के अंदर, अपने अपने घरों के अंदर बड़े उत्साह से मना रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जब अपनी मन की बात कहते हैं तो आम लोगों को ये लगता है कि वो ये प्रधानमंत्री की मन की बात नहीं बल्कि हमारी बात करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री लोकहित का कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी संदेश हो, तो ये मन की बात के माध्यम से हर बार देते हैं। और आज 100वां एपिसोड ये हुआ है, ये 100वां एपिसोड ऐतिहासिक है और इसका पूरे देश के अंदर एक रिकॉर्ड तो बनेगा ही बनेगा। मैं आज अगर मलाड़ के अंदर बात करूँगा तो ये जो यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया है वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजिंदर तिवाना की तरफ से ना सिर्फ मन की बात का कार्यक्रम बल्कि विशेषता ये कार्यक्रम की ऐसी है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो आज यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित है, जो आने वाले 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार वोट देकर उनको प्रधान बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले दिनों के अंदर भारी मतों से आएंगी। इसके लिए फर्स्ट टाइम वोटर ये जहाँ पर आए, मैं मेरी ओर से तेजिंदर तिवाना और उनके पूरे टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। देश का भविष्य ऐसे युवा वर्ग, उनको गर्व है अपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी पे कि आम जनता से सीधा संपर्क करने का माध्यम यानी कि मन की बात, उसके 100वां एपिसोड आदरणीय पंतप्रधान जी के द्वारा ये पूरा होने जा रहा है। तो पूरे मुंबई में ऐसे 36 विधानसभाओं में युवा मोर्चा द्वारा जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है 18 से 25 साल के ऐसे युवा वर्गों को लेकर साथ में 36 स्थानों पर मन की बात का कार्यक्रम किया गया है और बहुत बड़े एक उत्साह की लहर पूरे मुंबई में युवा वर्ग में देखने मिली है। आज पीएम मोदी ने मन की बात में ऐसे बहुत सारे लोगों का जिक्र किया, जैसे अपने गुरु और कश्मीर के एक थे जिन्होंने उसके लिए कहा। बिल्कुल, आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी ने भारत देश को विश्व गुरु बनाने के राह पर तो लेकर चले हैं, लेकिन उसके साथ साथ स्वदेशी का जो नारा है वो कभी नहीं भूले। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको आज के मन की बात में, जो पहले की मन की बात के द्वारा उन्होंने आम जनता के बीच में, लोगों के बीच में अपना विषय रखा था, चाहे वो किसी भी आम एक व्यापारी का व्यापार बढ़ाना हो या कुछ हटके कोई आम नागरिक कर रहा हो कार्य, उसको उजागर करना हो, तो उनके मन के बात के कार्यक्रम के वजह से ऐसे छोटे छोटे गांवों में जो व्यवसायक है उनका व्यवसाय बड़ा है और उसका लाभ सीधा ऐसे गांवों में, ऐसे राज्यों में, ऐसे व्यवसायों को मिला है। ये बहुत ही बड़ी एक प्रशंसा वाली एक बात, ये देश के नागरिकों को गर्व की बात अपने आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी पे है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज के मन की बात में हम सबको देखने मिला है। सर, आज की मन के बात में दो दो केंद्रीय मंत्री मुंबई में मौजूद है, अमित शाह, पीयूष गोयल जी, जो कि मुंबई में से मन की बात को सुन रहे हैं, उसे देखते हैं। बिल्कुल, सिर्फ आज के नहीं, जब भी मन की बात होती है तो देश भर के सभी नागरिक और देश भर के सभी मंत्री ये सब आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। और देश के कोने कोनों में, प्रत्येक राज्यों में क्या चल रहा है, कैसे स्थिति और कैसे व्यवसायिक है, ये सबके बारे में जानकारी लेने के लिए सभी उत्साह में रहते हैं। और आज आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय पीयूष गोयल जी, उनका मुंबई दौरा है, तो इस दौरा के दौरान उन्होंने मुंबई में आम मुंबई करों के साथ मन की बात सुनने की इच्छा रखी, इसकी हम सभी को एक खुशी है। सर, कहा जा रहा है कि आप दोनों केंद्रीय मंत्री मुंबई में, कहीं बीएमसी आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है कि जल्द चुनाव कराए जाए? बिल्कुल नहीं, ये कोई भी बीएमसी चुनाव या कोई भी चुनाव को जोड़ने वाली बात नहीं है। ये आज पूरे देश भर में सभी नागरिकों के द्वारा एक इतिहास रचा गया है कि करोड़ों की संख्या में आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की 100वीं मन की बात, उसको सुनकर सब लोगों ने सामूहिक तरीके से एक इतिहास रचा है और एक रिकॉर्ड बनाया है। सर, मलाड़ की जनता का एक और कहना है, सोचना कि एक बार 2024 में मलाड़ के लिए टिकट देना चाहिए, क्या देखते हैं?
देखिए, जो कार्यकर्ता या फिर कोई भी आम नागरिक का अगर हम काम करते हैं तो उनकी मन की इच्छा होती है कि हमें ऐसा ही नेता मिले कि आने वाले दिनों में चाहे वो रात के 3 बजे हो या सुबह के 6 बजे हो, वो हमारा फ़ोन उठाकर हमारे काम कर दे। तो ऐसे बहुत सारे आम जनता मुंबई के नागरिकों को मेरे साथ में दिल का रिश्ता है, लगाव है, तो उनकी इच्छा तो रहेगी। लेकिन मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जिस किसी को भी टिकट देगी, चाहे वो कोई भी हमारे नेता हो, चाहे वो तेजिंदर सिंह दीवाना हो, चाहे वो कोई भी आम कार्यकर्ता हो, तो मेरा दायित्व है कि भारतीय जनता पार्टी को मलाड विधानसभा में चुनकर लाने का है। ये एक संकल्प ये मैंने लिया है और मैं इसको निभाऊंगा। सर, अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आपको कितनी आसानी रहेगी मलाड विधानसभा में, कितनी परेशानी होगी? देखिए, ये विषय मेरा है नहीं अभी चर्चा करने का। जो पार्टी निर्णय करेगी उसके बाद जब टिकट मुझे मिलेगा या फिर मुझे पार्टी का एक आदेश आएगा कि आपको मलाड विधानसभा में लड़ना है, तभी उस समय मैं ये इस बात का जवाब दे पाऊंगा। अभी मेरा काम है कि पार्टी को मलाड विधानसभा में बढ़ाना है, उसके लिए मैं कार्यरत हूँ और हमारे सभी युवा साथी मिलकर उस कार्य की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, लोगों को क्या संदेश देना? मैं सभी नागरिकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो जो जन कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने लोगों के विश्वास को, लोगों के अपनेपन को, लोगों के समस्या का निवारण करने के लिए ये देश भर में शुरुआत की है, उसका लाभ सभी को उठाना चाहिए। और कहीं ना कहीं ऐसी योजनाएं स्वयं लाभ के साथ साथ अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इसके बारे में अवगत कराना चाहिए। यही संदेश मैं सभी आम नागरिकों को देना चाहता हूँ। बहुत ही बढ़िया, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और मन की बात में जो लोगों ने आपने सुना, हमने सुना, आपने भी सुना है कि जो लोगों ने तरक्की करके दिखाया मन की बात सुन के, वो लोगों के लिए और बाकी लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है कि मोदी साहब ने जो अनेक क्षेत्रों में अनेक लोगों के लिए फैसिलिटी दिए हुए, अलग तरीके से काम धंधे के लिए करने के लिए, अपना स्वयं का स्वयं कोई भी बिजनेस चालू करने के लिए जो आज लोन दे रहे, लोन का जैसा अभी हमने 2,500 के ऊपर मेडिकल कार्ड ज्योतिराव फुले का बनाया, ये जो हमारा जो पंतप्रधान है उनकी देन है हमारे लिए। और वो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम में, अभी तो 100 है, हमने तो 100 का 100 प्रोग्राम किए हुए, लेकिन हर प्रोग्राम में हर शहर का कोई व्यक्ति के लिए जो क्या किसी ने किया हुआ है अपने बलबूते के ऊपर, उसका स्टोरी बताने के लिए बोल देते, उनसे बातचीत करते, वो हमें सब मालूम पड़ता है, बाकी लोगों को लिए पता लगता है। युवा के लिए एक प्रेरणा है। और मैं तो बोलती है, जैसे अभी हमारे किसी ने अभी बोला हुआ है, यूनुस भाई ने और भी, कि भाई यूथ ही आगे जाके सब देश के लिए जो है संभालेगा, तो यूथ ने आगे आके एक कदम आके, जैसा तेजिंदर सिंह दीवाना ने मुंबई अध्यक्ष को आज न्यू वोटर के लिए प्रोग्राम, इसमें युवा लोग के जो लोगों के लिए बताया कि न्यू वोटर है और फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे, ऐसे अनेक काम हम भी हमारा पंतप्रधान मिलके कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आगे भी जितना एपिसोड होएंगे ऐसे ही धूम धड़ाके से करेंगे। राष्ट्र को और सभी लोगों को, मैं सुनने वाले को सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि सब लोग शांति से अच्छी तरीके से जो हमारे पंतप्रधान साहब ने जो बताया वो बात सुना, इसलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमें लगा ये पंतप्रधान जो है कोई विशेष नहीं है, वो हम सभी के लिए सोचने वाला, हमारी छोटे से छोटे विषय के बारे में सोचने वाला वो हमारा पंतप्रधान है। हमारे लिए जो एक छोटे से छोटे आम पब्लिक का जो विषय था, उस विषय को उन्होंने जन तक इस तरह से पहुंचा दिया, भी सबको लगने लगा ये हमारा जो पंत प्रधान है हमारे छोटे से छोटे विषय पे हमारे सोच रहा है, वो छोटे से छोटे विषय पे भी सोच रहा है और हमारा G20 के विषय पे भी सोच रहे हैं। तो उनका जो विषय है इतना बड़ा विशाल है कि हम सभी को जोड़ दिया इस विषय के साथ में। और 100वें जो एपिसोड है, उन्होंने आज इतने मन की बात कही, हमारे आँखों से अश्रू आए भी, जो लोगों से किस तरह से वो जुड़ते हैं, तो मैं उनको तहे दिल से बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो इतने लोगों से वो जुड़ चुके हैं। ये मन की बात प्रोग्राम जो मोदी जी ने स्टार्ट किया है, वो पब्लिक से डायरेक्ट 1-to-1 बात करने की कोशिश की है, और जो कि बहुत अच्छी बात है। ऐसे पहले कभी कोई ऐसा नेता नहीं हुआ है जो पब्लिक से डायरेक्टली 1-to-1 आके बात कर दे, और ये प्रधानमंत्री मोदी की बहुत यूनिक बात है। और जो कि आज से मतलब आज के प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी प्रधानमंत्री हो, सबको ये फॉलो करना चाहिए और सारे नेताओं को फॉलो करना चाहिए, ताकि सबको पता चले
कि देश का आम आदमी क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता है, और वैसा ही आगे फ्यूचर अपना काम करते रहे। आप फर्स्ट टाइम वोटर इस बार जी, आपको क्या लगता है कि देश के भविष्य, देश के लिए और क्या काम करना है मोदी जी को? देश वो मोदी जी को भी पता है और सबको पता है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स को लेकर देश को क्या चाहिए, और जैसे ही सबको मन की बात, सबकी मन की बात मोदी जी जानते हैं, वैसे मोदी जी की मन की बात सब जानते हैं, और सबको पता रहना चाहिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और आम आदमी भी जानता है कि देश में क्या भविष्य है और क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब जानते हैं। मोर्चा महामंत्री और मैं शक्ति केंद्र के नाते हमने राजस्थानी सेवा समिति एवरशाही नगर मलाड वेस्ट में ये आज 100वां एपिसोड मन की बात का कार्यक्रम हमने यहाँ पे लिया था, तो आज सब स्कूल कॉलेज के बच्चों ने भी अटेंड किया था, तो हमने उनके तो हमने सबने बैठ के मन की बात मोदी जी के 11 से 11:30 जो रेडियो पे आता है वो सुना था, और बच्चों से भी बात हुई तो वो बोलते हैं हमको ये बहुत प्रेरणादायक लगता है, और हमने उनको पूछा कि मोदी जी की क्या चीज़ें आपको प्रेरणा देती हैं, तो उन्होंने बोला कि मोदी जी ने जो जीपे पेटीएम और जो मेट्रो चालू की है इसकी सुविधा हमको दी है, एसी बस की कनेक्टिविटी की सुविधा एवरशाइन से मलाड स्टेशन तक दी है, अगर एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम भी कुछ कर सकते हैं। बच्चों ने बताया हम पायलट बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, फिर हमने उनको बताया कि आज मोदी जी ने 100 रुपये का कॉइन लॉन्च किया है, 100 रुपये का कॉइन का लॉन्च किया है, आज ऐसा इतना बड़ा दिन है, शताब्दी दिन है, क्योंकि 2014 से लेकर आज का 100वां एपिसोड है, ये पूरे 8 लाख जगहों पे होने वाला, और ये आज का जो एपिसोड है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी ये दर्ज होने जा रहा है, मोदी जी का इतना ऐतिहासिक आज का दिन है।